हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 30th of May के करेंट अफेयर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। आज जब मैं वीरूपाक्षा टेम्पल के बारे में बात करनी है, हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पे बात करनी है, क्यों है ये डिस्कशन में। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और RBI का एक बहुत ही बेहतरीन सा, एक शानदार सा इनिशिएटिव RBI ने लॉन्च किया है, तो RBI के हम इनिशिएटिव्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज हमारे करंट अफेयर थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के बिल्कुल बिंदास होके देखिए, छोटे छोटे दो पार्ट्स में भी आप वीडियो देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और PDF, सो PDF आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन सी ए 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इजिली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल एक और वीडियो बनाया था जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब सहायक संधि और हड़प के नीति क्या है, कौन से वो पहले राज्य थे जिनको शामिल किया गया। छोटा सा वीडियो है, कल अपलोड किया था, आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो हम गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं 30 मई को। एक्चुअली आपको पता है कि कॉलोनी हुआ करता था, पोर्चुगीज की कॉलोनी गोवा हुआ करता था, और देश आज़ाद होने के बाद भी पोर्चुगीज गोवा में, मतलब इंडिया में रहा करते थे। लेकिन हमारे देश में 1961 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, विच इज़ ऑपरेशन विजय, जिसके बाद हमने भारत में गोवा को शामिल किया, या गोवा को आज़ाद किया, इंडिपेंडेंट किया, और उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन 1987 में हमने गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया, वो भी 25th नंबर का स्टेट। तो गोवा 30th of May, मतलब आज के दिन 1987 में हमारे देश का एक राज्य बना था, इसलिए हम गोवा स्टेटहुड डे 30th of May को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, गोवा स्टेटहुड डे के अलावा आज हम एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी जर्नलिज्म डे। ठीक है, एक्चुअली आज ही के दिन पहली बार हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था उत्तंड मार्तंड, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने इस वीकली न्यूज़पेपर को, जो कि हिंदी भाषा में था, इसको पब्लिश किया था, स्टार्ट किया था फ्रॉम कैलकाटा ऑन 30th of May 1826। इसलिए हम 30 मई को क्या मनाते हैं, हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे थे। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे, हम सभी को पता है 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन योगा डे के सेलिब्रेशन से पहले यहाँ पर आप देखेंगे जेनेवा में वॉक एंड टॉक योगा सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया और इसे कंक्लूड किया गया। तो वॉक एंड टॉक इनिशिएटिव कहाँ हुआ, तो वॉक एंड टॉक सेशन आपको देखने को मिलेगा जेनेवा में, विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और ये आपका 5th नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन था, 5वें नंबर का संस्करण था। इसमें हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ट्रेडोस एधेनोम ने शामिल हुए और डिफरेंट योग आसन को परफॉर्म किया। ठीक है, तो 5th एडिशन था वॉक द टॉक का, ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO, कहाँ पर हुआ, तो जेनेवा में हुआ। अब आपको ये भी पता है कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, और इस साल 10th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन आपको योगा डे का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी थीम क्या है, योगा फॉर व्यूमन एम्पावरमेंट आपको थीम देखने को मिलेगी। इंडिया का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल योगा डे। 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को पास किया और कहा कि 21 जून को एवरी ईयर 21st of June को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। और पहला जो इंटरनेशनल योगा डे था वो 2015 में सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट हुआ, 2015 में सेलिब्रेट किया गया। डन, चलिए अब अगली जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नाम है इनका राधिका सेन। क्या नाम है, राधिका सेन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि UN पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है अलग अलग देशों में जहाँ पे कोई सिविल वॉर चल रही होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जैसे कि आपका अफगानिस्तान, सूडान, माली, यहाँ पर UN पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है कंडीशन को थोड़ा सा मेनटेन करने के लिए। अभी जो UN पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उनमें काफ़ी सारे देशों के आपको सैनिक ट्रूप्स देखने को मिलती हैं, तो इंडिया के भी आपको पीस कीपिंग फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो इंडिया की हैं कौन, राधिका सेन, जो कि सूडान में इनको डिप्लॉय किया गया था अंडर द UN पीस कीपिंग फोर्स।
ठीक है, तो रिसेंटली 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मेजर राधिका सेन को, और सेकेंड इंडियन बन गई हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हैज सिलेक्टेड द इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन फॉर द प्रेस्टिजियस 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड इनको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है. कब दिया है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के दिन. इस दिन को हमने अभी 29 मई को सेलिब्रेट किया था. 29 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2003 से हम इस दिन को मना रहे हैं, और इसी मौके पर मेजर राधिका सेन को अवार्ड दिया गया है. ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी. अवार्ड कब शुरू हुआ? तो 2016 में अवार्ड की शुरुआत की गई थी. मेजर राधिका सेन बिकम द सेकेंड इंडियन टू बी अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड. इसके पहले आप देखेंगे मेजर सुमन गवानी ये पहली इंडियन थी जिनको 2019 में अवार्ड दिया गया था, और इन्हें भी साउथ सुडान में एज अ पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय किया गया था. ठीक है, तो आपको दो नाम याद होगा, एक राधिका सेन का नाम है और दूसरा मेजर सुमन गवानी. चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं. जैसा कि मैंने कल पोस्ट भी किया था, आपको बताया भी था कि माउंट एवरेस्ट पे क्या चल रहा है अभी, तो लगातार बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो डेली हम कोई ना कोई माउंटेनियर के बारे में पढ़ ही रहे हैं. अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे सत्यदीप गुप्ता के बारे में. तो इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन वन सीजन. एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों पे फतह हासिल करने का काम, दोनों पे समिट करने का काम किसने किया है? सत्यदीप गुप्ता ने किया है, और ऐसा करने वाले पहले पर्सन बन गए हैं. माउंट एवरेस्ट की हाइट तो सबको पता है, और माउंट लोत्से भी कम नहीं है. इसकी हाइट भी आप देखेंगे 8,516 मीटर है. मतलब माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो माउंट लोत्से फोर्थ नंबर की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी. और ये पहले इंडियन है जिन्होंने एक ही सीजन में टू टाइम्स माउंट लोत्से और माउंट एवरेस्ट को स्केल करने का काम किया था. और इसके अलावा इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है. क्या है वो रिकॉर्ड? ही ऑल्सो सेट अनदर रिकॉर्ड बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू ट्रांसवर्स फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट टू माउंट लोत्से इन 11 आवर एंड 15 मिनट्स. 11 घंटे और 15 मिनट में इन्होंने ये काम किया है. ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक अवार्ड के बारे में जिसका नाम है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024. इस अवार्ड सेरेमनी को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आउटलुक ग्रुप, आईआईटी गोवा के कोलैबोरेशन के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया था. इसमें कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको अवार्ड बेसिकली दिया जाता है. ठीक है, तो आरएसी लिमिटेड जो कि हमारे देश की एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, इसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है. एक स्पेशल कैटेगरी है ये अवार्ड की, एडिटर चॉइस अवार्ड सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप के लिए किसे दिया गया है? आरईसी को दिया है. जैसे कि मैंने कहा अलग अलग फोर कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन, सर्कुलेटरी चैंपियन एंड क्लाइमेट एक्शन चैंपियन. सर्कुलेटरी चैंपियन का मतलब ऐसी वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट करती हैं, रिसाइकिल वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने का काम करती हैं. तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन स्पेशल जो कैटेगरी थी वो है एडिटर चॉइस अवार्ड. इसलिए पहले आप इसको याद रख लो, अगर आपको ये याद हो जाती है तो आप यहाँ पे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन, यहाँ पे कुछ सब कैटेगरी भी होती है, फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल और स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन, तो तीन स्पेशल सब कैटेगरी भी होती हैं. तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में कोल इंडिया को मिला है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में एनएचपीसी लिमिटेड को, और स्पेशल जूरी अवार्ड जीआरएससी मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को मिला है. वहीं अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन की बात करें तो गेल इंडिया को फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में, पावर फाइनेंस को नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में, और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को जूरी स्पेशल रिकॉग्निशन कैटेगरी में मिला है. इनको आप बाद में याद रख सकते हो, पहले आपको आरईसी याद रखना है जिसको एडिटर चॉइस अवार्ड सस्टेनेबल चैंपियन मिला है. अगर आपको वो याद हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी कोल इंडिया, एनएचपीसी और स्पेशल कैटेगरी में जीआरएससी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन, और ये आपका है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डन,
चलिए नेक्स्ट है, एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कहाँ पर ख़त्म हुई है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने टोटल यहाँ पे 7 मेडल जीते हैं। उन 7 मेडल में 1 गोल्ड मेडल है और 6 आपके ब्रोंज मेडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पर्सन का नाम याद रखना है जिनका नाम है श्रीमंत झा। क्या नाम है इनका? श्रीमंत झा। और श्रीमंत झा यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं इंडिया की तरफ से, जिन्होंने 1 गोल्ड भी जीता है और 1 ब्रोंज मेडल भी जीता है, ठीक है। तो श्रीमंत झा हु पार्टिसिपेट इन 2 कैटेगरी वॉज द टॉप परफॉर्मर फॉर इंडिया। ही वॉन द गोल्ड मेडल इन द लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी और ब्रोंज मेडल इन राइट हैंड पैरा कैटेगरी। तो इसलिए हमको श्रीमंत झा का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा पता होना चाहिए कि एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, भारत को 7 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड मेडल है और आपके 6 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब यहाँ पर एक आर्टिकल न्यूज में है, विच इज आर्टिकल 329B। क्यों है ये न्यूज में, पहले हम वो जानते हैं और फिर आर्टिकल क्या है वो भी हम जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अभी हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन का टेन्योर क्या होता है, जिस दिन नोटिफाई किया जाता है इलेक्शन की डेट, उस दिन से जब तक इलेक्शन खत्म हो के उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये पूरा टेन्योर आपका क्या कहलाता है, इलेक्शन पीरियड कहलाता है। और इस इलेक्शन पीरियड में बार बार ज्यूडिशरी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात है, ज्यूडिशरी का इंटरफेरेंस बार बार अलाउ नहीं होगा जब तक इलेक्शन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कोई एमपी या कोई एमएलए का इलेक्शन है और वो अयोग्य सिद्ध होता है, वो इलिजिबल नहीं है, उस केस में ज्यूडिशरी का इंटरफेरेंस है। लेकिन कुछ अदर केसेस है जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें ज्यूडिशरी का इंटरफेरेंस, न्यायपालिका का हस्तक्षेप अलाउ नहीं किया गया है अंडर द आर्टिकल 329B। देखेंगे यहाँ पर बेसिकली एक RTI लगाई गई, ठीक है। किसने लगाई थी? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR। ADR एक ग्रुप है जिसने एक पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहो कि जो फॉर्म नंबर 17C है, फॉर्म नंबर 17C मतलब है कि किस पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट कास्ट हो रहे हैं, मतलब कोई भी पोलिंग स्टेशन उसमें कितने ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, तो आप वो हमको पब्लिश करो, ठीक है। इन्होंने पिटीशन लगा दी और यहाँ पे पूरा मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, यूजिंग द आर्टिकल 329B, क्या कहा? Prohibit judicial intervention in the working of the commission in the middle of the election process. Judiciary का interference यहाँ पे allow नहीं होगा जब election चल रहा है election process में, और हम यहाँ पर under the form number 17C voters की information नहीं देंगे कि कितने voting हुई है हर एक polling station पे। इसलिए पूरा मामला आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 15, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक आपको मिलता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके साथ डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को कई सारे राइट्स हैं, उनकी पावर्स हैं, ठीक है। अब इलेक्शन, आपका आर्टिकल 329 के क्या पावर है हम वो देखते हैं। तो आर्टिकल 329 ए होता है और बी होता है, तो इसके अंदर आपको 2 आर्टिकल मिलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 329 ए क्या कहता है? प्रोहिबिट द जुडिशरी फ्रॉम चैलेंजिंग लॉज रिगार्डिंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और द सीट अलोकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितनी सीट अलॉट की है और कितना उसका बाउंड्री है, इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम पॉपुलेशन के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से सीट अलॉट करेंगे, इसमें जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पहली चीज। आर्टिकल 329B, इसमें हमने जो अमेंडमेंट किया था वो 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से आर्टिकल 329B को जोड़ा था, और इसमें कहा गया है कि इलेक्शन के बीच में, मिडिल ऑफ द इलेक्शन, जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल इसलिए न्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बीरूपाक्षा टेम्पल, क्यों है ये न्यूज में। अभी कर्नाटका के एरिया में आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी, हालांकि इतनी कोई रेनफॉल हुई नहीं है, लेकिन ठीक है। यहां पर देखेंगे जो बीरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में, और हम्पी आप सभी को पता है कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1986 में हम्पी के जो टेम्पल से, इंक्लूडिंग बीरूपाक्षा टेम्पल, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तो यहां पर ASI डिपार्टमेंट ने कहा है, यहां पर जो टेम्पल पवेलियन या फिर सालू मंडप,
सालू मंडप ये कोलैप्स कर गया है, गिर गया है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल और एएसआई इसको रिस्टोर कर रही है, ऐसी न्यूज अभी चल रही है। तो हमें बात करनी चाहिए कि वीरूपाक्षा टेम्पल क्या है। बात करते हैं वीरूपाक्षा टेम्पल के बारे में। तो वीरूपाक्षा टेम्पल को विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में डिजाइन किया गया है और इस टेम्पल को तैयार किसने किया है, तो टेम्पल बिल्ड बाय लंकन दंडदेशा नायक अंडर द देवराया टू। तो देवराया टू के अंदर नायक थे और इन्होंने इस टेम्पल को तैयार किया और इसका फर्दर जो एक्सपांशन किया है वो 16th सेंचुरी में किंग कृष्ण देवराया ने किया है। वीरूपाक्षा टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और जिनको लोकल में वीरूपाक्षा या पंपापथी के नाम से जाना जाता है, तो पंपापथी के नाम से यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो आपको ये बड़ा सा एम्पायर देखने को मिलेगा, विजयनगर एम्पायर, जिसका फॉर्मेशन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में आपको चार डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम दिल्ली सल्तनत में बात करते हैं कि गुलाम वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था, वैसे यहाँ पर भी चार डायनेस्टी थी, संगम, सलूबा, तुलूबा एंड आरावीरु। कैपिटल हम्पी थी और ये आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे वीरूपाक्षा टेम्पल देखने को मिल जाएगा। डिक्लाइन क्यों हुआ विजयनगर एम्पायर, इसकी कहानी है बैटल ऑफ तालीकोटा। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी गई थी जिसके बाद विजयनगर एम्पायर कोलैप्स कर गया। ठीक, चलिए अब अगली घटना देखते हैं। अगली न्यूज है कैंपी फ्लेगरी। अब कैंपी फ्लेगरी रिसेंटली न्यूज में है, आइए पहले तो इसकी लोकेशन समझते हैं। तो इसके लिए आपको यूरोप में जाना पड़ेगा और यूरोप में भी कहाँ, इटली जाना पड़ेगा। इटली में आपको एक यहाँ पे वॉल्केनो देखने को मिल रहा है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है वेसुवियस वॉल्केनो। तो हमें पता है ये एक वॉल्केनो है जो कि इटली में है और ये एक आपका एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वॉल्केनोज एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, रेड रेड काफी सारे स्पॉट है। एक सिंगल वॉल्केनो नहीं है जबकि एक ग्रुप ऑफ वॉल्केनो है जिसे हम कैंपी फ्लेगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो लास्ट इरप्शन हुआ था इस वॉल्केनो में वो 1538 में हुआ था। तब से अभी तक यहाँ पे बहुत लंबे समय से कोई इरप्शन नहीं हुआ। जब इतने लंबे समय से कोई इरप्शन नहीं होता तो यहाँ की बस्तियां बस जाती हैं, लोग आके कैप्चर कर लेते हैं, लोग रहने लगते हैं, तो पूरा का पूरा शहर यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर अभी इरप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पर हिट किया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक टू हिट इटलीज कैंपी फ्लेगरी सुपर वॉल्केनो रीजन। तो ये पिछले दशक का अगर आप देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपको अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके बाद यहाँ पे रिसर्चर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, लाखों लोगों को डिस्प्लेस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैंपी फ्लेगरी जो कैलड्रा है, कैलड्रा क्या होता है, ये जो वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसके बाद एक बड़ा सा ऐसा होल बन जाता है ना, इसी के बारे में बात हो रही है, इसी होल के बारे में बात हो रही है जिसका डाया लगभग 12 से लेकर 15 किलोमीटर है और यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्टिव कैलड्रा आपको यूरोप में यही देखने को मिलेगा, विच इज कैंपी फ्लेगरी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 39,000 ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेसुवियस आपका वॉल्केनो है, ये सिसली आइलैंड पे माउंट एटना आपको एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा और ये आपको कैंपी फ्लेगरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी बस लोकेशन याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। रिपोर्ट पे, एक छोटी सी रिपोर्ट पे हम डिस्कशन करते हैं, विच इज अ ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, जिसको रिसेंटली UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने लॉन्च किया था। इस रिपोर्ट का थीम या टाइटल क्या है तो आप देख सकते हैं, रेंज लैंड एंड द पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, आपकी जो चरवाहे कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो एज पर द रिपोर्ट अप टू 50% ऑफ द रेंज लैंड आर डिग्रेडेड। तो 50% जो रेंज लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है और इसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, लोकल कम्युनिटी की भी हमें रिक्वायरमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार ये रेंज लैंड होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसको डिफाइन किया गया है, तो ऐसा नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम जहाँ पे लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल ग्रेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हो, ट्री पाए जाते हैं, क्रॉप्स भी पाए जाती है और ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स के पास जमीन भी होती है। ये पूरा एरिया अगर देखो हर एक देश के पास होता है, जहाँ पे आपकी ग्रेजिंग की जाती है, जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो चरने का काम करते हैं, बेसिकली थार एरिया से लेकर आपके थार डेजर्ट से हिमालय एरिया तक आपको सभी कहीं पर आप रेंज लैंड देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर आपको कई तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है, ग्रासेस, ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम देखने को मिलती है। करेंटली पूरे वर्ल्ड में 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप देखेंगे, 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रेंज लैंड देखने को मिलेगा। इनका काम क्या होता है, तो ये कार्बन सिंक करने का काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है ये ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितना ये प्रोड्यूस करते हैं उसके कंपैरिजन में, विच एब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दे रिलीज्ड। यहाँ पे आपको कई सारे वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, इसके अलावा कई सारी नदियों का सोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये डेजर्टिफिकेशन को बेसिकली प्रिवेंट करने का काम रेंजलैंड करते हैं। और फूड सिक्योरिटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेंजलैंड 16% ग्लोबल फूड प्रोडक्शन और 70% जो डोमेस्टिक हर्बीवोर्स होते हैं उनको फीड करने का काम करते हैं। ठीक है, हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो केवल घास खाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इंडिया का जो रेंज लैंड है वो 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब लगातार डिग्रेड क्यों हो रहा है, तो लगातार डिग्रेड होने का रीजन क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, क्लाइमेट चेंज होना, अर्बनाइजेशन होना, इसके अलावा जो आपका रेंज लैंड है वो लगातार फार्म लैंड में भी कन्वर्ट होता जा रहा है। ये कुछ रीजन भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि क्यों 50% रेंज लैंड आपके डिग्रेड हो गए हैं। अब यहाँ पे UNCCD के बारे में बात हो रही है, ये आपका एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो प्रोटेक्ट करता है आपके लैंड्स को एंड कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था और इफेक्ट में 1996 में आया था, जिसका अगर आप सेक्रेटरीट देखेंगे तो वॉन जर्मनी में आपको सचिवालय या सेक्रेटरीट देखने को मिल जाएगा। और इसके दो कन्वेंशन भी हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग एरिया में पाई जाती हैं, आपके स्टैटिक के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो हमारे चरवाहे कम्युनिटी है वो कहाँ पर कौन सी पाई जाती है, जैसे कि आप लोग ने गुर्जर बकरवाल के बारे में सुना होगा, तो गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाएगी। गद्दीज ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश, भोटियाज एंड शेरपा इन हिमालयन रीजन। नेक्स्ट है आपके धांगर्स इन महाराष्ट्र, रायका इन राजस्थान, और बंजारस तो हर कहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है, रेवारी इन राजस्थान, कच्छ रीजन गुजरात में है, मालदारी ये भी रन ऑफ कच्छ रीजन में पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF भी मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए अब यहाँ पे रशिया ने एक फैसला लिया है, क्या, रशिया टू रिमूव तालिबान फ्रॉम टेरर लिस्ट। काफ़ी लंबे समय से नेगोशिएशन चल रहा था रशिया और तालिबान के बीच में, इनके बायलेटरल ट्रेड के बारे में भी बात हो रही थी, जबकि कई सारे सैंक्शंस ऑलरेडी USA ने लगा के रखे, उसके ऊपर भी बातें हो रही थी। अब यहाँ पे रशिया ने फाइनली फैसला किया है कि तालिबान को टेररिस्ट टैग की लिस्ट से हम बाहर कर देंगे। इसके पहले कजाकिस्तान ने भी ऐसा किया है, कजाकिस्तान ने 2023 में तालिबान को इस बैन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर किया था। ठीक है, अब तालिबान की तो बात हो गई, रशिया की भी बात हो गई, अब हम करते हैं नेटो की बात, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 6 नेटो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये 6 कंट्रीज मिलके यहाँ पर एक ड्रोन बॉल रेडी कर रही हैं। ठीक है, तो 6 नेटो कंट्रीज आर ज्वाइनिंग फोर्स टू बिल्ड अ ड्रोन बॉल टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर अगेंस्ट द रशिया। तो रशिया से अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर कई सारे ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे रशिया से ये अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्रोन बॉल कहाँ पे बन रही है, तो रशिया और नेटो मेंबर्स के बीच में बन रही है। कौन कौन से नेटो मेंबर्स यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 6 है, कौन कौन से, नॉर्वे, फिनलैंड, आपका पोलैंड, और उसके अलावा ये आपकी बाल्टिक कंट्री है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ठीक है, नेटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है सोवियत यूनियन के एक्सपांशन को रोकना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड नेटो का जो सबसे नया मेंबर है वो कौन है, तो नेटो में 2 नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं, एक है स्वीडन, अभी 2024 में ही हुआ था, और फिनलैंड 2023 में आप देखेंगे एज अ नेटो मेंबर इसने ज्वाइन किया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं WIPO ट्रिटी के बारे में। ये ट्रिटी भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या है ये, तो यहाँ पर
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई इस ट्रीटी में जो कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई पेटेंट कराता है तो उस पेटेंट पे आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पर इस आयुर्वेदा का या जेनेटिक मेडिसिन का या आपकी जो रिसर्च है उसका सोर्स कौन सी कंट्री है, और अगर आपको कहीं से ट्रेडिशनल नॉलेज मिलता है तो कौन से लोग हैं, मतलब कौन सी पब्लिक है या ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका जिसका आपने नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में कोई औषधि है, हमारे देश में तो बहुत सारी औषधियाँ हैं का इस्तेमाल, जैसे कि अश्वगंधा है, तुलसी है, मुलेठी है, इनका इस्तेमाल तो हम सदियों से कर रहे हैं और हमको पता है कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, करेक्ट। लेकिन कोई बाहर से व्यक्ति आता है जब ये देखता है और फिर ले जाता है बाहर, अमेरिका से जैसे कोई व्यक्ति आया और बाहर ले गया और उसका पेटेंट करा लिया। आपने कैसे पेटेंट करा लिया, हम तो सदियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पेटेंट नहीं कराया, ये हमारी गलती है, लेकिन हम तो सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा था, हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी, उनका प्रॉपरली पेटेंट नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप पेटेंट देखते हैं तो समटाइम हम जो लोकल कम्युनिटी है या ट्राइबल कम्युनिटी है उनके पास जाते हैं और उनका नॉलेज लेते हैं, उसके बाद पेटेंट करा देते हैं। तो यहाँ पे उन ट्राइबल कम्युनिटी को भी उनका शेयर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। पिछले 2 सालों से नेगोशिएशन चल रहा था, अब फाइनली यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई है। तो WIPO मेंबर स्टेट अप्रूव्ड अ हिस्टोरिक न्यू ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉलोइंग डिकेड ऑफ नेगोशिएशन। तो यहाँ पे इस बात को इंश्योर किया गया है, इट इंश्योर ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉट एक्सप्लॉइटेड विदाउट द परमिशन और द कंपनसेशन। चलिए अब इस ट्रीटी में फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे प्रोविजन ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज को एड ऑन किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि पेटेंट एप्लीकेंट मस्ट डिस्क्लोज द कंट्री ऑफ ओरिजिन और द सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्स एंड इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी दैट प्रोवाइडेड दैट एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इनका नाम भी आपको मैंशन करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी चीजें डन। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया की एक बिग विक्ट्री हुई है। एनी WIPO मेंबर स्टेट कैन ज्वाइन, बट पुराने जो पेटेंट हैं उनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। द ट्रीटी डज नॉट अप्लाई टू पेटेंट फील्ड बिफोर इट्स एंट्री इन टू द फोर्स, ठीक है। WIPO का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। चलिए बात करते हैं, इंडिया में एक कंपनी है चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर है, तो चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फिशर मेडिकल वेंचर, और इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस MRI सिस्टम बनाया है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है, ठीक है। तो चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिन्होंने पहला इंडिया का मेड इन इंडिया और इंडिजीनियसली MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम को डिजाइन किया है। इसको डेवलप कहाँ पे किया गया है, तो आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन जो फैसिलिटी है विशाखापट्टनम में, जहाँ पर एक प्रीमियम आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी फैसिलिटी मिलती है, वर्कफोर्स मिलता है, स्किल वर्कर्स मिलते हैं आपको फैसिलिटी में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। तो विशाखापट्टनम में इस MRI मशीन को डिजाइन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, Reliance Industries to begin construction on India's first multi-model logistic park near Chennai. तो Reliance Industries ने कहा है कि हम जून में इंडिया का पहला multi-model logistic park को near Chennai तैयार करेंगे, जिसकी total costing 1424 करोड़ रुपीस होगी और लगभग 184 acre of land में आपको ये logistic park देखने को मिल जाएगा। इसकी strategic location बहुत important है, अगर आप इस logistic park की location देखोगे तो ये 52 किलोमीटर है चेन्नई से, चेन्नई पोर्ट से 80 किलोमीटर दूर आपको एन्नोर पोर्ट से और 87 किलोमीटर ऑफ कट्टुपल्ली पोर्ट से देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी कार्गो को ये इजिली लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो डिलीवरी इफिशियंट हो जाएगी, कॉस्ट इफिशियंट हो जाएगा आपका लॉजिस्टिक, और इसके अलावा शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग की फैसिलिटी भी इस लॉजिस्टिक पार्क में मिलेगी। तो ये इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसको रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, कहाँ पे, नियर चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट न्यूज़ है, रिसेंटली RBI ने 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, उन तीनों इनिशिएटिव को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली 25 नंबर के जो हमारे गवर्नर हैं RBI के, शक्तिकांत दास, उन्होंने 3 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। वो कौन कौन से इनिशिएटिव है, प्रभा पोर्टल है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिट्री, इन 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो हम एक एक करके इन इनिशिएटिव को देख लेते हैं शॉर्ट में, जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहला है प्रभा पोर्टल, तो क्वेश्चन बनेगा प्रभा पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो RBI ने। नेक्स्ट बन सकता है कि प्रभा का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म देखते हैं हम, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये पोर्टल क्या करता है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी रिटेल
एंटिटी, उनको कोई लाइसेंस चाहिए है रेगुलेटरी बॉडी का, तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और इजिली आपके लाइसेंस को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा या जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसका आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो द प्रभा पोर्टल इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज वेव बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल एंड रिटेल एंटिटीज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द RBI। तो RBI से अगर आपको कोई भी अप्रूवल चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, RBI का कहना है जिससे जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी और ये सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एप्लीकेंट आपको प्रोवाइड करता है। बहुत आसान सी मेथड है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, RBI का जो क्लियरेंस है उसको आप देख सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटी एक सिंगल जगह पर आपको मिल जाएंगी। तो प्रभा पोर्टल किस लिए है, लाइसेंस लेने के लिए या क्लियरेंस पर्पज के लिए। सेकेंड आता है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। देखिएगा RBI का ऑलरेडी एक पोर्टल है जिसको नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर कोई भी इंडिविजुअल है जैसे कि मैं हूँ, आप हैं या कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदना या बेचना है तो इसके लिए RBI का पोर्टल अवेलेबल है जिसको 2021 में बनाया गया था। लेकिन RBI का इसके लिए कोई भी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं था या कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, तो रिसेंटली RBI ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल होगा, iOS पे भी अवेलेबल होगा, और इसके जरिए क्या कर सकेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर सकेंगे, बाय एंड सेल कर सकेंगे, तो ये खास बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आपके जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए और रिटेल इन्वेस्टर के लिए हो रही हैं। रिटेल इन्वेस्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम देखें तो मतलब जो लोग 10 लाख रुपये से कम आपका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और 10 लाख रुपये से ऊपर का अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो वो आपका इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल रिटेल्स के लिए है या इंडिविजुअल के लिए है। लास्ट में इन्होंने लॉन्च किया है फिनटेक रिपोजिटरी। तो फिनटेक रिपोजिटरी एक तरीके का स्टोर हाउस है फिनटेक कंपनीज के लिए। हमारे देश में बहुत सारी फिनटेक कंपनीज है जैसे कि पेटीएम है, फोनपे है, क्रेड है। फिनटेक कंपनीज क्या होती है, जो आपको टेक्नोलॉजी के साथ और फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करती है, मतलब टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करके आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी देती है, वो सब आपकी फिनटेक कहलाती है। तो फिनटेक कौन से एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रही है, कौन से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, तो उनका डेटाबेस बनाने के लिए बेसिकली फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। तो फिनटेक रिपोजिटरी एम टू कैप्चर इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनटेक एंटिटी, देयर एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी यूज एटसेट्रा। इसी के अंदर इन्होंने एक सेपरेट एम टेक रिपोजिटरी को भी ओपन किया है जिसमें जो फिनटेक्स हैं मतलब बैंक हैं, आपके NBFCs हैं, ठीक है, उसके ये लोग जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की जाएगी। तो एक डेटाबेस बेसिकली RBI के पास रहेगा जिससे RBI उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को बना सकेगा। अभी जो फिनटेक या एम टेक रिपोजिटरी है इसको डिजाइन या डेवलप किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि RBI की एक सबसे नई सब्सिडरी है, उसने इसको बेसिकली डिजाइन किया है। क्लियर है, डन। तो ये 3 इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं बाय द RBI। तो आज का सेशन होता है खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। मैं डेली सभी के आंसर जरूर से देखती हूँ, भले मैं रात को 2 बजे देखूँ या 4 बजे देखूँ, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ और आंसर जरूर देखती हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, कि कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन जो बार बार आपने वो क्लासेस लेफ्ट क्यों कर दी है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो वैसे क्वेश्चंस के आंसर देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। बाकी आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग द कोर्स होते हैं, रिगार्डिंग द वीडियोज होते हैं, नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर मैं डेफिनेटली देती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें। टेक केयर।